अब अगर हम सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो अगर इसको हमने ऐसे टर्न्स बना दिए, तो इसके टर्न्स जितने ज्यादा होंगे उतना उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। दूसरी बात है कि यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्रोपोर्शनल टू एन है। दूसरी बात क्या है कि अगर ये नजदीक नजदीक होंगे, क्लोज क्लोज होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। इसका मतलब इसकी लेंथ, वो लेंथ का इनवर्सली है। अगर इसको फैला देंगे और फिर खींच के ताली बना दिया तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ भी है। तो यानी अगर इसको हम सिंगल करना चाहें तो एन बाय एल अगर हम कर दें तो उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब बी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पर यूनिट टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो वो इस पर डिपेंड करता है। तो जितनी इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा होंगी उतना इसका स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। और फील्ड तो किस तरह से आएगा, अब इसको भी चेक करके देख लें। अभी मैं एक सिंगल लूप बनाता हूं, ये करंट यूं जा रही है, तो लाइंस कैसी हैं, ऐसी हैं। अब इसको यूं देखिए, इस लूप को आप यूं मान के चलिए कि ये लूप ऐसा है, ऐसे सामने है। तो जब मैं इसको पकड़ूंगा तो ये लाइन होगी, तो लाइंस कैसी आएंगी, सीधी इधर के लिए ऐसे, तो ये ऐसी आ रही है। प्रॉब्लम हमारी यहां से दिक्कत होती है, यहां से अगर पकड़ेंगे तो अंदर जाएंगे, यहां से तो ये इधर ही जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको हमने ऐसे किया, ऐसे बनाया, तो करंट कैसे जा रहा है, ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, साउथ पोल बनेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल बनेगा। तो जब करंट, जब कभी भी इसके अंदर आप क्या देंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देंगे तो साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट देंगे तो नॉर्थ पोल बनेगा। अगर करंट की डायरेक्शन इधर होती तो क्या होता, इधर हो जाता,